सर मेरी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूवड नहीं हो रही है आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही है और आइए मैं आपको दिखाता हूं दो वेबसाइट जो अभी रिसेंटली गूगल एडसेंस से अप्रूव है और सबसे बड़ी बात गूगल एडसेंस अप्रूवल विद ए आई कंटेंट उन वेबसाइट के ऊपर ए आई कंटेंट लगा हुआ है मैं आपको कंटेंट लाइव चेक करके दिखाऊंगा कि ये ए आई कंटेंट है और फिर भी एडसेंस का अप्रूवल मिला है अगर आप कंटेंट डालें ए आई का तो आपको अप्रूवल ना मिले तो हमें क्यों मिल रहा है रीजन क्या है रीजन ये है कि आपका चेट जीपीटी से काम करने का तरीकाकार अलग है और हमारा काम करवाने का तरीकाकार अलग है जिस तरीके से हम चेट जीपीटी से काम करवाते हैं इस तरीके से अगर आप भी आर्टिकल लिखवाएंगे तो आपको 100% परसेंट अप्रूवल मिल सकता है लेकिन उससे पहले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि जितने भी आर्टिकल हैं वो लाइव चेक करेंगे एआई डिटेक्टेड हैं और अगेन आपको यह भी बताऊंगा कि आपने आर्टिकल राइट कैसे करना है अब यह नहीं है कि आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना है और एक ही दफा चेट जीपीटी या किसी भी एआई राइटिंग टूल को बता दे कि आप मेरे लिए इस टॉपिक के ऊपर इतने वर्ड्स का आर्टिकल लिख दे। ऐसा नहीं होता एआई कंटेंट लिखने का एक प्रॉपर तरीका कार है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं लेकिन उससे पहले मैं आपको सारे प्रूफ दिखाता हूं कि वेबसाइट एज कितनी है थीम कौन सा लगा हुआ है पेड थीम है या फ्री थीम है उसके ऊपर आर्टिकल कितने लगे हुए हैं और इसके अलावा गूगल सर्च कंसोल ये सारी चीजें मैं ये चाहता हूं कि आपको लाइव दिखाऊं जितने भी लोगों की वेबसाइट नहीं अप्रूव्ड हो रही है उनको एक आइडिया हो जाए कि हमने वेबसाइट कैसे अप्रूव्ड करवानी है कस्टमाइजेशन किस लेवल की होनी चाहिए थीम कौन सा होना चाहिए पेड़ होना चाहिए या फ्री होना चाहिए और बाकी भी सारी चीजें मैं आपको लाइव चेक करवाऊंगा आपने सिर्फ इस वीडियो को फुल वॉच करना है अगर आप लोग एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो और मजे की बात यह कि इन एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा और वो भी एआई कंटेंट से जस्ट हमारा मेथड आपने फॉलो करना है और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको यूट्यूब के ऊपर कम ही मिलेगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आज पीसी स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें लाइव दिखाता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं यहां पे आप देख सकते हैं यूअर साइट इज नाउ रेडी टू तो सर्व एट सेंस एड और यहां पे आप गौर करें दो दिन पहले यह वेबसाइट अप्रूव हुई है यहां पे एक दफा रीलोड कर देता हूं ताकि आप लोग यह ना कहें कि मैं आपको कोई यहां पे इमेज दिखा रहा हूं या स्क्रीन शॉट है यह डोमेन आपको नहीं दिखा सकता उसकी कोई रीजन है दूसरा डोमेन और वेबसाइट की सारी चीजें मैं आपको ए टू जेड दिखाने वाला हूं मैं यहां पे दूसरे ब्राउजर के ऊपर आ जाता हूं दूसरी वेबसाइट की डिटेल चेक करने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आप लोग डोमेन और होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो आप आ जाएं डिजिटल डॉट आई टी फॉर आल डॉट पी के वेबसाइट के ऊपर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहां पर आने के बाद आपको एक बटन मिल जाएगा गेट फ्री नाउ अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके हमारे लिंक से डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं तो ये सारे टूल आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे और इसके साथ यहां पे आप देखें गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको स्क्रिप्ट भी फ्री में मिल जाएंगे तो यहां पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी उस की क्लेम डील के ऊपर क्लिक करें अपनी मर्जी का कोई एक प्लान चूज करें और चूज प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आ जाएगा यहाँ पे आप ड्यूरेशन चूज करें कितने साल के लिए आपको होस्टिंग चाहिए नीचे यहाँ पे आने के बाद अपना ईमेल लिखें पासवर्ड लिखें और इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करके यहाँ से बाय कर लें और बाय करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है इन हमें भिजवाना है यहां पे बताया गया है कि आपने इन को डाउनलोड कैसे करना है और इस मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें आप या इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमें

इस yes, वेबसाइट का एडसेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं एड वगैरह सारी चीजें लाइव है रेवेन्यू बन रहा है अब क्या करता हूं मैं मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं वेबसाइट में यहां पे डोमेन ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि वेबसाइट किस तरह की बनी हुई है इसकी कस्टमाइजेशन कैसी है यहां पर यह देखे वेबसाइट के ऊपर एडसेंस के एड आ रहे हैं और यहां पे मुख्तलि कैटेगरीज बनी हुई है बिजनेस है इंटरटेनमेंट है लाइफ स्टाइल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी अगर नीच की बात करें तो यूं समझे एक जर्नल नीच है मुख्तलिफ नीचे आर्टिकल इस वेबसाइट के ऊपर डले हुए प्रेस थीम है ठीक है उसको इस्तेमाल किया गया और बाकी फोटर एरिया में अगर आते हैं तो यहां पर आपको फोटर एरिया इसका सारा नजर आ रहा है पॉलिसी पेजेज इसके सारे बने हुए हैं और अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है एआई कंटेंट वाली उसको हमने देखना है अब मैं यहां पे आता हूं स्क्रॉल डाउन करके नीचे और मैं यहां पे कोई कोई एक आर्टिकल ओपन करता हूं और उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूं ठीक है एग्जाम्पल देता हूं मैं यही आर्टिकल ओपन कर लेते हैं मैं रीड मोर के ऊपर क्लिक करता हूं आर्टिकल मेरे सामने आ गया है और मैं यहां पे इस आर्टिकल का कुछ हिस्सा सेलेक्ट करता हूं और मैंने यहां पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जिसकी मदद से हम ए आई कंटेंट को चेक कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं ये सारा सेलेक्टेड टेक्स्ट यहां पे आ गया है और मैं इसको स्कैन करता हूं अब स्कैन करने के बाद यह हमें बताएगा कि ये कितने परसेंट ए आई कंटेंट है यहां पे ये देखिए हंड्रेड परसेंट बता रहा है ये ए आई कंटेंट है चले इसको छोड़ देते हैं एक और आर्टिकल ओपन करते हैं मैं होम के ऊपर आता हूं और यहां से कोई और आर्टिकल ओपन करते हैं ये नया आर्टिकल लगा हुआ है हम ओल्ड के ऊपर जाते हैं ये देखें मैं इस वक्त 21 पेज के ऊपर आ चुका हूं यानी बिल्कुल उस वक्त की बात आप समझे जिस वक्त वेबसाइट बनी थी ठीक है और यहां पे आते हैं चलें जी इसी आर्टिकल को मैं ओपन कर लेता हूं अब ये देखिए सात जून को यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है आप ये बात जहन में रखें और यहां पर आर्टिकल लगा हुआ है मैं यहां पे कुछ ऐसा इसका सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करने के बाद अगेन यहां पे आता हूं क्लिक करता हूँ सारा टैक्स इसने उठा लिया स्कैन करता हूं और देखते हैं कितने परसेंट है हंड्रेड परसेंट ए कंटेंट है अब आप मुझे बताएं मैंने आपको दिखा दिया है इसके ऊपर जितने आर्टिकल लगे हुए हैं ए की मदद से लगे हुए हैं और इसके ऊपर आपके सामने गूगल एडसेंस के एड चल रहे हैं यानी ये वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है मैं नीचे आता हूं यहां पे यह देखे मुख्तिक एड सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं अब मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल एडसेंस के अंदर और यहाँ पे साइट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है अब ये चीज आपको क्लियर हो गई है अब आपके जहन के अंदर जो बात आ रही होगी कि यह जो वेबसाइट है इस वेबसाइट के ऊपर कौन सा थीम लगा हुआ है मैंने आपको बता दिया है जनरेट प्रेस लगा हुआ है लेकिन फिर भी चलें यहां पे आते हैं वर्ड पैनल के अंदर और मैं यहाँ पे अपियरेंस के ऊपर आके यहां पे ये देखें जनरेट प्रेस जनरेट प्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ जनरेट प्रेस थीम इस्तेमाल हुआ हुआ है और इसको लाइसेंस की लगी हुई है यानी पेड थीम इसने इस्तेमाल किया है अब पेड थीम अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे बाई कर सकते हैं इस यूजर ने भी हमसे बाई किया हुआ है तरीकाकार क्या है आई टी फॉर ऑल के ऊपर आना है आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और गेट फ्री का ये जो बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं आपके सामने होस्टिंग की डिटेल आ जाएगी कि अगर आप हमारे लिंक से बाय करेंगे तो आपको इतना कैश बैक मिल सकता है बैक जाना है है आपने नीचे आना है। प्रेस के ऊपर क्लिक करें और यहां पे आपको मिल जाएगा जनरेट प्रेस और एलिमेंटर जो भी आप लेना चाहें जनरेट प्रेस के ऊपर क्लिक करें सारी डिटेल्स आ रही हैं एक हजार रुपए के अंदर आपको एक वेबसाइट के लिए थीम मिलेगी और ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं हंड्रेड परसेंट ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ ये थीम है और यहां पे यही थीम इस्तेमाल हुई, हुई है ठीक है यहां पे ये कंफर्म हो गया है कि जनरेट प्रेस लगी हुई है चले जी अब यहां पे आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर इस वेबसाइट के ऊपर 203 सौ तीन हैं यानी पोस्ट इसने अच्छी खासी की हुई है अब 203 सौ पोस्टें जब बंदा सोचता है तो यार इस वेबसाइट की एज कितनी होगी वेबसाइट बनी कब है यहां पे आ जाते हैं ये देखें मैं आपको दिखाता हूं इस वेबसाइट की एज टोटल तीन महीने है यानी तीन महीने के अंदर 200 पोस्ट लगी है और ये गूगल एडसन से अप्रूव हुई है अब अगर मैं यहां पे आ जाता हूं आपको सर्च कंसोल दिखा देता हूं ये देखे इसके ऊपर डेली आठ दस सर्च से क्लिक आ रहे थे अभी फिलहाल डाउन है बट ये है कि पहले 20, 21, 15 मुख्तलिफ क्लिक्स आ रहे थे इंडेक्स पेजेस आप देख सकते हैं 203 पेजेस इसके इंडेक्स हैं और यहाँ पे जनरेट प्रेस लगा हुआ है पेड थीम लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एरर आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर नहीं नजर आ रहा सारी चीजें मैंने आपको खोल के दिखा दी है अब बात आती है लास्ट में कि आपने आर्टिकल कैसे लिखना है आर्टिकल लिखने के ऊपर मैं मुकम्मल वीडियो बना दूंगा बट उससे पहले आपको एंट दे देता हूं हम लोग क्या करते हैं मिसाल देता हूं हम चेट जी ओपन करते हैं तो उसको बताते हैं कि आप ऐसे करें फ्री लांसिंग के ऊपर आपने एक आर्टिकल लिख के देना है आपने ऐसे हर गिज काम नहीं करना है आपने उसको यह बताना है कि मैंने एक फ्री लांसिंग के ऊपर आर्टिकल लिखना है और उसके लिए आप मुझे दस हेडिंग बना के दें जब वो आपको दस हेडिंग बना के दे दे फिर आपने एक हेडिंग उसको देनी है कि यह एक हेडिंग है इसके आपने मुझे दो या तीन पैराग्राफ बना के देने इस तरीके से आपने हर एक के दो तीन दो तीन पैराग्राफ राइट करवाने एक ही दफा कमांड नहीं है फिर आप लोगों का काम नहीं होगा एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा तरीकाकार क्या है सबसे पहले हेडिंग जनरेट हेडिंग बनती हैं दस बनती हैं फिर एक हेडिंग को उठाएं और उसके दो तीन पैराग्राफ जनरेट करवाएं फिर दूसरी फिर तीसरी इस तरह आपने आर्टिकल को कंप्लीट करना है अगर आप यह चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं खुद कि आपने चेट जी के ऊपर आर्टिकल कैसे लिखना है तो आपने इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुंचाना है और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा कि आपने चेहट जी को इस्तेमाल करते हुए एडसेंस अप्रूवल के लिए एसियो फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना है उम्मीद करता हूं आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत और अगर कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं